शांति 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 शांति। गणेशम शरण शीशमनम पर्वतम शरण शीशमनम शशांकम शरण शीशमनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यक्षा साक्षी चे चा केवलो निर्गुरुष्ट अधर्माभिभवा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु पुष्पाशु वार्षले जायते वर्ण शंकर कल्कि अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशीचारितम फलवन स्वानम लम्लजीयम पुष्पफलम तपस्यम वीरम महावीर गुरुं प्राणम प्रादीपम सो विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुकुमारुहा देवोत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाश नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाभ पुरीता लीन गच्छ दीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई टोपी और छुपा वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है पंडित और नाम है पंडित का अली भाई, नाम है पंडित का सोमनाथ वर्मा। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। और वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है तो कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। सारा मजमा बोले जब वो पंडित बोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और अली भाई वो पंडित जब जबान खोलता है तो वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़, सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ जाग जग में, बन के मनुष्य आ जाग जग में, क्यों तू गया ये भोल, बन के मनुष्य आ जाग जग में, क्यों तू गया ये भोल। और ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और अली भाई पंडित ने आगे जो लिखा वो कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने आगे अपने मानने वालों को कहा लोगो माटी की मुंह रत को पूजे, माटी की मुंह रत को पूजे, जिसमें नहीं है माटी की मुंह रत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। क्या हो बे, वाह 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 वाह। अब कबीरदास आ गए, कबीरदास बोले पंडित सोमनाथ वर्मा क्या बातें चल रही है। कहा के
इंसानियत की बातें चल रही है। कहा मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोले अब पंडित सोमनाथ वर्मा बोलते गए। अपने मुंह को खोला और जबान को जब खोला, बोला तो ऐसे बोला कबीर दास ने, कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले है जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले है जितने इंसान। अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जान ही है महान रे मूर्ख, तू जान ही है महान, तू जान ही है महान। बहुत अच्छी भाई, जिंदाबाद, माशाल्लाह। अब नहीं पढ़ूंगा वरना तो कहेंगे सुबह मौलाना सनाउद्दीन साहब और क्या कारी एहतिशाम साहब, रात को आप लोग क्या पकड़ के लाए थे, मौलाना लाए थे कि पंडित जी लाए थे। हाँ, एक जगह हम तकरीर कर रहे थे बंगाल में, मैं अक्सर कहता हूँ एक लड़का खड़ा हो गया ये मंत्र सुनने के बाद और नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा, कहा हजरत आप पंडित नहीं है। मैंने कहा मैं तो हौस का चाखने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो बुजुर्गाने दीन की चौखट पे अपनी जान निछावर करने वाला हूँ, और मैं आमना के लाल नबियों के सरदार के बारे में आला हजरत का ये शेर हर वक्त गुनगुनाने वाला हूँ। चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले, चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। माशाल्लाह लोगों, याद करके जाए, और मैंने जो शेर शुरू में पढ़ा गए आप याद कर ले, और माँ बहनों आप भी याद करके जाओ। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। माँ बहनों याद कर लो, और आप भी लोगों यहाँ से जाओ, गाना जबान पर जारी ना हो बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो, वरना तो हजरत मत बोलिए। आजकल मैं इन लोगों से इतना परेशान, जानते गए आजकल ये लड़का लोग जाएगा, ये लड़का सब जाएगा, अली भाई ये जब जाएगा सैलून, अरे सैलून जानते ना आप लोग, नाई के यहाँ जाएगा, देखिएगा इधर भी साफ, हाँ इधर भी साफ, इधर भी साफ, और बीच में रखेगा अली भाई, वो भी जानते गए बीच में रखता है, वो भी लाल कर लेता है, ऐ देखिए हाँ लाल कर लेता अली भाई, लाल कर लेगा, हाँ और जानते गए लाल खाली नहीं करता। अच्छा, भारत का पांचवा अजूबा तो नहीं है, ये अजूबा ही है। और जानते गए सिर्फ लाल ये लोग नहीं, ये बूढ़ा भी कम नहीं है, बूढ़वा सब देखिएगा, ये जाएगा ना सैलून, ये बूढ़वा को देखिएगा जिसका गाल एकदम पचका हुआ ऐसे है, हाँ वो बूढ़ा भी जानते हैं, उसमें अस्तूरा जब लगवाता है ना, वो 70 साल का बूढ़ा जब अस्तूरा लगा जानते हैं, अब उसमें तो अस्तूरा घुसेगा नहीं, पिचका हुआ है, अब वो फुलाता हप करके फुलाएगा, उसके बाद चलवाएगा। मैं कहना चाहूंगा लोगों, ऐसा चेहरा कोई आशिके रसूल का नहीं होता है, आप तो आला हजरत के मानने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हो, आपका चलना बताना चाहिए ये ख्वाजा पाक का मस्ताना जा रहा है, आपका बोलना बताना चाहिए ये तो मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये तो नबी का चाखने वाला चल रहा है, आपकी रफ्तार बताए ये मुस्तफा का वाना जा रहा है। लोगों आप कहते हो हमको ख्वाजा पाक के मस्ताने गए, आप कहते हो हमको गौसे आजम के जागने वाले गए, आप कहते हो इमाम हुसैन के जागने वाले गए, याद रखना लोगों इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से एक नारा दिया था और कहा था लोगों
शान चाहे तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ होने वाले कामों से कभी समझौता नहीं करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज, मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हाँ अच्छा, ये बूढ़ा सिर्फ नहीं, औरतें भी कम नहीं है हमारे इलाके में। ये औरतों को देखिएगा, इनका बच्चा जब नहीं सोता, ये अपना ही इलाका है, जब इनका बच्चा नहीं सोएगा, ये बच्चे को गोद में लेती है, एक लोरी गाती है, अरे अब पारे अब नदिया किनारे अब सोने के कटोरिया में दूध भात लेते अब बाबू के मुंह में घुटू। हाँ ये हमारे इलाके की हालत है। मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों, याद रखना, आज के जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। आप अपने घर में जाती हो, अपने घर में सुबह सवेरे उठना, लोरियां नहीं गाना, गाने नहीं गाना, बल्कि अपने बच्चों को सुलाना, तो कुरान की तिलावत करने लगना। अपने बच्चों के लिए अगर दूध निकालना, तो कटोरे में जैसे ही दूध लेना, तो अपने बच्चे को कहना, मेरे सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, आप झाड़ू लगाना। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, आज हालात इतने बिगड़ गए हैं अपने समाज में, कि जो पहले की माँ बहनें थी हर वक्त कुरान पढ़ती थी, आज हमारी माँ बहनें गए झाड़ू लगा रही गए, वो गाने सुन रही गए, बिस्तर लगा रही गए, गाने सुन रही गए, बिस्तर झाड़ती गए, गाने सुन रही गए, दरवाजा बंद करती गए, गाने गुनगुना रखी गए, दरवाजा खोलती गए, गाना गुनगुनाती गए, बर्तन मांजती गए, गाना गुनगुनाती गए, और बिस्तर लगाती गए, गाना गुनगुनाती गए, बच्चे को नहलाती गए, गाना गुनगुनाती गए, बच्चे को दूध पिलाती गए, गाना गुनगुनाती गए। पहले की माँ बहन थी, बच्चे को सुलाती थी, गाना नहीं गुनगुनाती थी, बल्कि मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ती थी। पहले की माँ बहन थी, झाड़ू लगाती थी तो बिस्मिल्लाह पढ़ती थी। पहले की माँ बहन थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी। अगर कोई पूछता था, ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ, ताकि मेरा बेटा मेरा दूध पीकर जब जवान हो जाएगा, और मेरा बेटा जवान रहेगा। और अगर कोई वसीम रजवी और नरसिंहानंद सरस्वती जो हिंदुस्तान के भाईचारे को तोड़ने की बात करता है, मेरा बेटा अपनी गर्दन को कटवा देगा, लेकिन कुरान की शान और अजमत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। याद रखना प्यारे, माँ अगर नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है। ऐसे कोई हाफिज ऐसे नहीं बनता है, माँ बाप की नेकियों का सिला होता है, तब बेटा 30 पारे का हाफिज कुरान बनता है। माँ बाप नेक हो तब जाकर कोई आलिम बनता है, कोई अल्लामा साहब बनते हैं। इस वजह से हमेशा याद रखना लोगों, कि मुस्तफा के जिक्र की महफिल में आए हो, यहाँ से आप अगर एक शेर याद करके चले गए, अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, आप यहाँ से जाओगे गरीब नवाज की मोहब्बत में। अगर एक शेर आपने गुनगुनाया गौसे आजम की मोहब्बत में, एक शेर आपने गुनगुनाया, तो याद रखिएगा आपका यहाँ बैठना कबूल और इनका जलसा सजाना कबूल हो जाएगा। इसलिए सारे लोग याद करके जाए, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे आज महफिल में, पीरान पीर आएंगे। अब जरा सुनना प्यारे, मैंने जितना मंत्र पढ़ा गए, मुझे जो मौजू दिया गया है कि आपको उनकी ही किताबों से मुकम्मल तौर पे खिताब करना है, याद रखना लोगों। अब देखें मेरे हाथ में एक चीज है, आज लोग सारी दुनिया के लोग जो हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर जिस शख्सियत के पीछे पड़ी है, वो कोई और जात नहीं है, वो है आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। याद रखना लोगों, ये देखें कितना प्यारा नाम है। आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं तो कहता हूँ, किसी ने कहा है बहुत पहले, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। गौर से सुनना प्यारे, ये देखे नामे मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, और याद रखना उनका रोजा
जन्नत से भी प्यारा लगता है। लोगों लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, अल्लाह की कसम कहता हूं लोगों इनसे बड़े बड़े ना मिटा पाए। कोई मुस्तफा की तारीफ कैसे मिटाएगा? ये उलमा तशरीफ फरमा गए, आप इनसे पूछिए मोहम्मद का माना क्या है। मोहम्मद कहते ही उसे गए तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते गए, जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए उसे आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते गए। तो मोइनुद्दीन कादरी को कहने दिया जाए ये जमीन फट सकती है, मुस्तफा की तारीफ कम नहीं हो सकती। याद रखना प्यारे, ये आसमान टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती। दरख्त के पत्ते सूख जाए, मुस्तफा की तारीफ खत्म न होगी। कलम की स्याही खत्म हो जाए, समंदर का पानी खत्म हो जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। बल्कि जो मुस्तफा की तारीफ मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा। एक ना एक दिन आला हजरत का ये शोर हाथ बांध कर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने चहा के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे लोगों। मुस्तफा ने आकर सबसे पहले लोगों को बताया, लोगों जिनकी तुम इबादत करते हो वो अल्लाह एक है। आप कहेंगे वो कैसे? कुरान से अगर मैं दलील दूं, लोग कहेंगे नहीं नहीं प्यारे, याद रखना ये मेरे हाथ में किताब है, इस किताब को रामायण कहते हैं। हमारे हिंदू भाई बिरादरे वतन भी जलसे में 300-400 की तादाद में मौजूद है। मुझसे कहा गया ये मेरे हाथ में किताब रामायण है, मोइनुद्दीन कादरी इस किताब का हवाला भी देगा। मैंने टेस लगाया है और याद रखना मोइनुद्दीन कादरी जो पढ़ता है वही आकर बोलता है। और गौर से सुनिएगा, आज लोग कहते गए कुछ लोग के मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। जरा सुनना प्यारे, मैं कहना चाहूंगा हम इसलिए उनकी किताबों को पढ़कर लोगों को बताते हैं कि लोगों मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। आज ये दलाल मीडिया चंद टकों पर बिकने वाली मीडिया ये कहती है मुसलमान आतंकवादी होता है। नहीं प्यारे, ये मुसलमान तो वो है, आका ने फरमाया है कि अगर रास्ते से तकलीफ की चीज को हटा दोगे अल्लाह तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। ये मुसलमान तो वो है, मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया अगर किसी दूसरे भाई को देखकर अगर मुस्कुरा दोगे इस मुस्कुराने के बदले में भी अल्लाह सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। लोगों हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, भाईचारा का पैगाम देते हैं। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, याद रखना मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। ये मीडिया का बहुत रोल है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को बर्बाद कर दे। अब मीडिया वालों कम से कम इन लोगों पर, हिंदुस्तान वालों पर रहम करो। गौर से सुनना प्यारे, लोग कहते हैं मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत। मैं कहता हूँ मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। आज हमारे हिंदू भाई आएंगे जलसे में, इस जलसे से तो हमारे उलमा ये पैगाम देते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो ये हमारे वतन की जीनत है। गौर से सुनना प्यारे, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं। प्यारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। असल में आतंकवादी कौन लोग है? असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर कुछ दिनों पहले नारा लगाते थे और कहते थे मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, असल में आतंकवादी नारे तकबीर नारे रिसालत, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगाते हैं मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, वो आतंकवादी हैं। वो कहेंगे वो क्यों? तो इसलिए प्यारे मैं कहना चाहूंगा हम हिंदू मुसलमान तो ऐसे ऐसी मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान में रहते हैं, एक दस्तरखान पर बैठ कर खाना खाने वाले हैं, लेकिन उन लोगों ने हिंदुस्तान की फिजाओं को खराब करने की कोशिश की है, हिंदू मुसलमान की मोहब्बत की में दीवार लाने की कोशिश की है। और उन लोगों ने एक नया नारा निकाल कर हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया है। वरना हम तो कहते गए हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। और दुआ कीजिए अगर आपस में प्यार के रिश्ते
रहेगा ही, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, तुम कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ यहाँ स्टेज पे जितने उलमा गए, हमारी महफिल में जितने बच्चे बच्चे आए गए, इनके नस को काटोगे नस से कोई और आवाज ना निकलेगी, बल्कि नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा, ये इस्लाम सीना पसीना न होगा, खुदाई का ऐसा करीना न होगा, सभी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। याद रखिएगा मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। मुस्तफा ने पैगाम आकर क्या दिया है, मुस्तफा ने लोगों को इंसानियत का पैगाम दिया है। मुस्तफा ने फरमाया लोगों अल्लाह की इबादत करो और कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर कोई हमारा हिंदू भाई खड़ा हो जाए, ये अपनी किताबों की बातें अपने पास रखो मौलाना, मैं कहना चाहूंगा ये किताब आपकी है, लिखने वाला आपका है, इसमें मैंने ठेस लगाया है। उस किताब में लिखा गया लोगों जिस अल्लाह की इबादत की जाए वो अल्लाह कैसा है, आखिर वो यानी के उसका तसव्वुर कैसा ज़हन में रखना चाहिए। मेरे हाथ में किताब रामायण है, ये रामायण के पाला कांड पेज नंबर 71 है, अली भाई ये सामने मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे ये आकर स्टेज के पास देख सकता है। इस किताब में लिखा गया कहा रामायण में बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन करम करे तीर्थ नाना आनन रगत सकल रस भोगी बिन पानी भगता फल जोगी। कहा के लोगो वो अल्लाह कैसा है सुने, कहा के लोगो वो अल्लाह एक है बिन पद चली सुने बिन काना, अल्लाह वो है जो चलता है लेकिन हमारी तरह पांव नहीं है, अल्लाह वो है जो सुनता है हमारी तरह कान नहीं है, अल्लाह वो है जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, अल्लाह वो है जो सुनता है लेकिन हमारे तरह कान नहीं है, अल्लाह वो है जो बड़ा सख्त पकड़ता है लेकिन हमारे तरह हाथ नहीं है। हमने कहा क्या मतलब, कहा मतलब ये है अल्लाह वो है जो जिस्म से पाक है, हाथ से पाक है, पांव से पाक है, आंख से पाक है, कान से पाक है, जो आल औलाद से पाक है, जो पवित्र साफ है, जो बिल्कुल तमाम जिस्म जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदा पाक है। जरा सुनना प्यारे, इस किताब का खुलासा ये श्री रामचरितमानस में भी लिखा गया है। इस किताब का भी मैं बड़ी तेजी से हवाला दे दूं, इस किताब में भी मैंने टेस्ट लगाया है, आपको भी दूर से ये टेस्ट दिखता होगा। इस किताब में श्री रामचरितमानस में रामायण का खुलासा लिखा गया है। लोग कहते हैं ये मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, जो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ सबसे पवित्र किताब मानी जाती है। लोग कहते हैं मुस्तफा याद रखना प्यारे, मुस्तफा से ऐसे हैं, किसी ने कहा भविष्य पुराण मौजूद है, किसी ने कहा लोगों कैसे होंगे मुस्तफा, गणेशियम शरणम शीशम नमन, क्या वो कैसे होंगे मुस्तफा, क्या वो गणेश की तरह होंगे, गणेश को आप लोगों ने देखा है ना, कहा कैसे होंगे, कहा गणेश की तरह होंगे, कहा कैसी बात करता है, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा, क्या बात, ये कोई मुकाबला का, फिर कैसे होंगे, शशांकम शरणम शीशम नमन, क्या वो चांद की तरह होंगे, कहा कैसी बात करते हो, कहा ये आसमान का छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद, ये कोई मुकाबला का, फिर कैसे होंगे, पर्वतम शरणम शीशम नमन, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे, कहा कैसी बात करता है, कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा मदीने के ताजदार, जरा झूम कर बोलो हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह, सारा मजमा हाथों को उठा कर बोले या रसूल अल्लाह, जितने खड़े गए वो भी बोले, बैठे गए वो भी बोले, सारे लोग मुस्तफा की मोहब्बत में हाथों को उठाकर झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह। हमने कहा कि महाराज आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी, कहा कि इसलिए मैंने पहाड़ की मिसाल दिया है, कहा कि पहाड़ इतना बड़ा पहलवान, इतना बड़ा पहलवान, इतना बड़ा ताकतवर है ये पहाड़ कि अल्लाह ने जब जमीन को बनाया तो जमीन हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया, उस पहाड़ का हिलना बंद हो गया,
हमने कहा इसलिए तुमने पहाड़ को बलवान कहा। कहा हाँ, हमने कहा सुनो लोगों, ये तो पहाड़ के बलवान होने की बात है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा हमारे नबी इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान के रहते जमीन पर गए, अपनी उंगली का इशारा, अपने अंगूठे मुबारक का इशारा आसमान के चांद की तरफ करते गए और दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और बता देते गए, ए दुनिया वालों, दुनिया वालों की हुकूमत जमीन पे चलती है, आमना के लाल की हुकूमत आसमान के चांद सूरज पर भी चलती है। कहा लोगों कैसे होंगे मदीने वाले मुस्तफा, कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे, कहा शरण अग्रुन मगा सुख सागर अत्यर चार मगा सुख सागर चरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे सुख नाम सुख सागर ना शेराजम प्रम बैना शब गुरु की दया सुख नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनु घर पावे अत्यर चार मारा सुख पावे और जय गुरु नामे नामे कर जय भय जय गुरु नामे नामे कर जय भय बिना मोहम्मद पार न होए मोहम्मद पार नहीं होए बे। लोगों मुस्तफा ने इंसानियत का दर्स दिया है, इंसान कौन होता है हम समझते गए, दो हाथ जिसके पास है वो इंसान है ना ना प्यारे, हम समझते गए दो पांव जिसके पास है वो इंसान है नहीं प्यारे, अगर दो हाथों का नाम इंसान होता तो फिर बंदर के पास भी दो हाथ है, आप बंदर को क्या कहोगे, अगर दो पांव का नाम इंसान होता तो फिर मुर्गे और मुर्गी के पास भी दो पांव है, आप मुर्गे मुर्गी को क्या कहोगे, अगर दो आंखों का नाम इंसान गए तो फिर कुत्ता और बिल्ली को भी तो के पास दो आंखें हैं, आप उसे क्या कहोगे, आखिर इंसान कहते किसे गए, न सिर्फ दो पांव होने का नाम इंसान गए, न दो हाथ होने का नाम इंसान गए, इंसान कहते किसे गए, कहा के लोगों सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़, मैंने जो पढ़ा कहा लोगों सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़, कहा लोगों इंसान असल में वो होता है, इंसान असल में वो होता है इंसान उंस से मुश्तक है, कहते गए असल में इंसान उसे कहा जाता है जिसके दिल में दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत हो, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन प्यारे मैं कहना चाहूंगा इंसान असल में कौन होता है, इंसान तो वो होता है जिसका पड़ोसी अगर भूखा है तो ये उस वक्त तक खाना ना खाए जब तक के पड़ोसी को खाना ना खिला दे, इसलिए इंसान कहते उसे है जिसका जिसके सीने में इंसानियत जिंदा है, असल में वही इंसान है, लेकिन लोगों मैं कहना चाहूंगा आज लोगों को हो क्या गया है, आज लोग अजमेर जाकर को लाखों रुपए की चादर गरीब नवाज के मजार पे चढ़ा देते गए, याद रखो साहिबे मजार को आपकी चादर की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह की कसम कहता हूँ चादर किस लिए डाली जाती है मजार पे, कभी आपने सोचा गए लोगों आज सुनकर जाओ, चादर सिर्फ इसलिए डाली जाती है ताकि कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र हो, एक कब्र पर जो अल्लाह वाले की कब्र हो उस कब्र पे एक चादर डाल दी जाए, जमाने वाले कब्रिस्तान पहुंचे तो उस चादर वाली कब्र को देखकर समझ जाए जिससे चादर न डली है वो आम लोगों की कब्र है और जिससे चादर डली है वो किसी अल्लाह के नेक बंदे खास बंदे की कब्र है, इसलिए चादर डाली जाती है। लोगों आप क्या समझते हो लाखों रुपए अजमेर में जाकर चादर डाल दोगे, मैं कहना चाहूंगा आज जो लोग भोगते गए मसलके आला हजरत पे, मैं कहना चाहूंगा लोगों अगर आज दुनिया वालों के सीने में मुस्तफा के इश्क की शमा रोशन है ये एहसान है बरेली वाले इमाम अहमद रजा का। हाँ आप कहोगे वो कैसे, बरेली वाले अहमद रजा ने, अहमद रजा ने लोगों के दिलों में इश्क की शमा मुस्तफा के इश्क की शमा ऐसे रोशन की है कि लोगों के यानी मुस्तफा के इल्म गैब की हिफाजत के लिए आला हजरत ने दौलतुल मक्किया अपने चाहने वालों को अता फरमा दिया है ताकि मुस्तफा के इल्म गैब की हिफाजत होती रहे, और आला हजरत ने हमारे ईमानों अकीदे
की हिफाजत के लिए हम लोगों को कंजुल ईमान जैसा खजाना अता फरमा दिया है ताकि हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत होती रहे। याद रखना प्यारे, आला हजरत से जो वाबस्ता होगा, याद रखना आला हजरत के सैकड़ों क्या करोड़ों क्या लाखों एहसानात है हम सुन्नी मुसलमानों पर। इसलिए लोगों, आपके चादर की साहिब मजार को जरूरत नहीं है, आज उर्स की तारीख है। आप चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो। आप आजकल तो देखा जाता अली भाई, अली भाई आज एक आखिरी बात